तो दोस्तों बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों हफ्ते 10 दिन पहले लिस्ट हुआ ये शेयर मार्केट में तहलका मचाते हुए नज़र आ रहा है। क्या इस शेयर में बाय करनी चाहिए? बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर अभी वेट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक आप लोग देख लेना। दोस्तों अगर इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्टॉक जो है सर्किट टू सर्किट ऊपर आया है। दो तीन दिन तक इसमें लगातार 5-5% के सर्किट हमें देखने के लिए मिले। 70 रुपये का लिस्ट हुआ ये शेयर तुरंत ही 140-142 रुपये पर आकर खड़ा हो गया है। तो दोस्तों क्या ये प्राइस इस स्टॉक को बाय करने के लिए अभी सही है? तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए। ये स्टॉक अभी दोबारा से डाउन आएगा। जिस समय ये स्टॉक आपको 80-60 रुपये के बीच में मिल जाए, जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक 70 रुपये के नीचे निकलता हुआ अभी नज़र आ सकता है। अभी तो ये स्टार्टिंग थी, इसीलिए स्टॉक एकदम अप मूव लगाते हुए नज़र आया है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा कंपनी का, सारी चीज़ें सेट होंगी, स्टॉक का प्राइस टूटेगा और उस समय हमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलने वाली है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बाइंग के लिए अभी हमें वेट करनी चाहिए। और अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये नहीं पता कि स्टॉक कब चलता है कब नहीं चलता, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में अभी लिस्ट हुआ है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है जिसको देख कर हम आपको सजेशन दे सकें कि अब आप इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस स्टॉक में 100 रुपये से पहले आप अपनी फ़र्स्ट अमाउंट भी मत लगाना। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आपको टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, उस तरीके से मुझे लगता है पहला कैपिटल जो हमें इसमें डालना चाहिए 100 रुपये से कम पर तो वो भी लगाना सही नहीं रहेगा। स्टॉक का प्राइस अभी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है इसको बाय करने के लिए, तो आप स्टॉक में थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। 100 रुपये आए उसके बाद 60 रुपये तक आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा थोड़ा कैपिटल उठाते जाइए, निश्चित ही भविष्य में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक में स्टक हो गए हैं तो निसंकोच अपने स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जैसे ही हमारी टीम आपके स्टॉक को रिसर्च कर लेगी, लेवल और टारगेट्स आपके लिए निकाल कर ले आएंगे। जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में एक और वैल्यूएबल स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।